हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। कुछ भक्त अनुष्ठानिक उपवासों का पालन करते हैं, जहां वे मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज लहसुन और कई प्रकार के अनाज, दाल और मसाले खाने से परहेज करते हैं। इस समय विशेष व्रत सामग्री जैसे कुट्टू का आटा, समक के चावल, राजगीर आटा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात जो व्रत करने वालों को ध्यान देना चाहिए, कई ऐसे फूड्स हैं जिनका सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्रत के दौरान खाली पेट किन फूड के सेवन से हमें बचना चाहिए। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कि खाली पेट ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम जिस फूड की बात कर रहे हैं जो कि हमें खाली पेट नहीं खाना चाहिए, वो है केला। खाली पेट केला खाने से कुछ लोगों के पेट और सीने में जलन की समस्या हो जाती है, यहाँ तक कि कब्ज की समस्या तक पैदा हो जाती है। ये सभी चीज़ें मैग्नीशियम के कारण हो सकती है। केले में ये मौजूदा तत्व शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो व्रत के दौरान हमें खाली पेट केला खाने से बचना चाहिए। तो व्रत के दौरान जो दूसरी चीज़ हमें खाली पेट नहीं खानी चाहिए, वो है दूध और दही। दूध और दही दोनों ही चीज़ें पेट में एसिड का लेवल बढ़ा सकती हैं। इनमें मौजूदा सैचुरेटेड फैट और प्रोटीन कई बार खाली पेट व्रत में उल्टा असर करते हैं। आंतों के एंजाइम को अच्छा करने की जगह ये पेट में गैस और अपच की समस्या को पैदा करते हैं। इसलिए व्रत के दौरान हमें खाली पेट कभी भी दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो हमें व्रत में नहीं सेवन करना चाहिए खाली पेट, वो है चाय। व्रत में खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। चाय से पेट में एसिडिटी और जलन की समस्या हो सकती है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो हमें व्रत में खाली पेट भूल से भी नहीं खानी चाहिए, वो है ऑयली चीज़ें। खाली पेट व्रत में ज़्यादा तली हुई व्रत वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पेट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और इससे आपको पेट में जलन और अपच की समस्या पैदा हो सकती है। तो भूल से भी कभी भी आपको व्रत के दौरान खाली पेट ऑयली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बताया है, जो कि व्रत के दौरान आपको खाली पेट कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये जानकारी पहुँच पाए और उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो मिलते हैं ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।